नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं पटना के बापू परीक्षा केंद्र में। आखिर ऐसा क्या हुआ, आज 17वीं बीपीएससी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा होने लगा। हम आपको पूरी बात बताएंगे, क्या ऐसी बात है। पटना डीएम ने भी पूरी जानकारी दी है। देखिए, एक थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया था एक छात्र को, जिसे लेकर वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन हम बात अब करेंगे मुद्दे की, क्यों आखिर हंगामा बरपा, ये क्यों बात होने लगी कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक की बात तो अब तक ऐसी आई नहीं है, कहीं से कोई पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हंगामा क्यों बरपा, इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिएगा। आखिर क्या हुआ, छात्रों ने हंगामा क्यों किया। कुछ छात्र कहेंगे कि ये बात सही है, उस बात को मानेंगे भी, क्योंकि लगभग 11,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दे दी है। अगर सच में कुछ ऐसा हुआ होता तब तो फिर पूरे बिहार में हर जगह बवाल होता। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक सेंटर की, एक सेंटर में कुछ क्लासरूम्स में कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ क्या बातें हुई हैं, ये सब आपको जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे। क्योंकि सभी परीक्षार्थी परीक्षा देकर अपने घर लौट चुके हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी परीक्षा हुई है और कहीं कोई वायरल पेपर की बात है नहीं। तो खैर, हम बात करेंगे बापू परीक्षा केंद्र की, बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र की, जहां पर लगभग 13,000 से अधिक परीक्षार्थी एक बार में परीक्षा देते हैं। और पटना डीएम जब वहाँ पहुँचे, क्योंकि भीड़ बेकाबू होने लगी, छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, वो क्वेश्चन का कुछ जो सेट होता है वो छीनने लगे थे और आंसर शीट लेकर बाहर आ गए थे, आंदोलन करने लगे। हुआ था ये कि एक रूम में जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के सेट कम पड़ गए थे। होता है, बगल वाले रूम से मंगा लिया था, क्योंकि सब सबके सेट एक समान थे, कहीं पर कुछ सेट ज़्यादा या कम होते हैं। अब उसके बाद कहाँ से ये बातें हो रही है, कुछ जो मनचले होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने ऐसी अफवाह उड़ाई या जानबूझकर वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिस वजह से वहाँ पर हंगामा बरपा। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह जब वहाँ पहुँचे, क्या कुछ उन्हें जानकारी दी है, हम आपको सुनवाते हैं। बापू परीक्षा परिसर है पुरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में, वो 112 में था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा, इस प्रकार से। तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। पीछे करो, वो सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है, मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स दूसरे हाल में आया, उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हंगामा किया, और इसके अलावा कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया, 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो है लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है, बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। इनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग उमर से जो उमर सीट है, लेकिन बाहर से क्या आ गए हैं तो वो भी जवाब नहीं है। खुद पर खुद पेपर देने में लेट क्यों हो रहे हैं, जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं आ रहा है। और जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे थे उन्होंने परीक्षा दिया बकायदा, जो लोग नहीं देना चाह रहे थे नहीं दिया है, इससे हम लोगों ने अवगत करा दिया है। कहीं भी कोई भी पेपर लीक का मामला नहीं है, कोई कोई
पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी क्या कुछ बातें बताई हैं विस्तार से, आपने वो सुना है। देखिए बात पूरी समझनी होगी, क्योंकि अगर हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं, पहले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके बाद बीपीएससी के सचिव है, बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक लेटर भी जारी कर दिया था और हुआ भी वही। तो बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ भरपूर तरीके से सहयोग करने को तैयार है, और जो खबर है, जो भीतर की खबर है, जो कुछ विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी आसान था, यानी कि सेट्स जो थे वो काफ़ी क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन पेपर जो थे उसमें जो प्रश्न थे वो काफ़ी आसान पूछे गए थे, उतने टफ नहीं थे जितने हर बार होते हैं। तो खैर विद्यार्थियों के लिए ये बात भी सही है। पूरे बिहार में सभी जगह पर जहाँ से रिपोर्ट आई है कहीं भी पेपर वायरल जैसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मनचले ऐसे थे, कुछ असामाजिक तत्व के ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ घुस जाते हैं, अपना तो लिखना धरना है नहीं, अपने तो कुछ परीक्षा देनी है नहीं ढंग से, लेकिन दूसरों का समय कैसे जाया करें, दूसरों को समय कैसे बर्बाद करें, ये होता है। खैर कई लोगों पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, किन किन लोगों ने पहले ऐसा उपद्रव शुरू किया, किन किन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, खैर अब जगह पर शांति है। मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे जो परीक्षा दे चुके हैं वो अपने घर को लौट चुके हैं, परीक्षा खत्म हो चुकी है, एक ही पाली में परीक्षा ली गई थी। और देखिए अब विवाद उठने लगा था जब, तो खुद पटना डीएम एसएसपी वहाँ पहुँच गए, पुलिस प्रशासन वहाँ पहले से मुस्तैद थी, तो ऐसे में कंट्रोल किया गया सब कुछ ताकि मामला और ना बिगड़ जाए, जिसके चलते यातायात पर फर्क पड़ेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर पर फर्क पड़ेगा। तो खैर ये तमाम बातें ऐसी हुई नहीं, और पटना डीएम ने खुलकर अपनी पूरी बात रखी भी है। हाँ एक थप्पड़ जड़ दिया है बीपीएससी के अभ्यर्थी को, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो रहा था, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम देखें तो ये पावर होता है डीएम के पास, एसपी के पास, कि अगर भीड़ को ज़्यादा बढ़ने लगे ऐसे में कुछ बड़ी घटना हो सकती है, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, तो ऐसे में बल प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। खैर आपने पूरी बात सुनी है, पटना डीएम को उन्होंने क्या बताया है, कैसे जब सील उखड़ा था, क्योंकि हर रूम में एक सील बंद लिफाफा जाता है जिसमें क्वेश्चन पेपर रखा होता है, अब वो सील बंद लिफाफा जब खुलेगा, किसी और से पेपर मंगाएंगे तो, क्योंकि सभी पेपर तो एक ही तरह के हैं, अब घट गया कहीं पर कम पड़ गया तो दूसरे रूम में से जाकर ले आए, तो अब इसमें कहाँ लीक वाली बात है, जब स्टूडेंट्स के बीच में पेपर बटेगा तो लिफाफा खुलेगा ही खुलेगा। अब ये है कि 15 मिनट की किसी में देरी हो गई थी, हालांकि वहाँ के जो अधिकारी हैं जो वहाँ पर पोस्टेड थे उनका ये भी कहना है कि हमने ये भी कहा था कि मैम आपको 15 मिनट ज़्यादा देंगे। देखिए सीबीएसई की परीक्षा में भी और आईसीएसई की परीक्षा में भी कई जगह पर कई सेंटर्स पर ऐसा होता है कि 5 मिनट लेट से लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, कोई ऐसी समस्या आती है या सेट्स की उतनी कॉपी नहीं होती है तो उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाता है, लेकिन नहीं, कुछ मनचले तत्व थे, कुछ उपद्रवी लोग थे जो भेष बदल के आए होंगे, उनका ये कहना होगा, उनका ये क्या धरा होगा, तो खैर उसकी भी जांच हो रही है। पटना डीएम ने क्या कुछ विस्तार से बताया है हमने आपको समझाया है, सुनवाया है, आप लाइव से बने रहें। बीपीएससी की परीक्षा की पेपर लीक अभी तक हुई नहीं है और परीक्षा हो भी गई है, तो खैर पूरा सच आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा, जो बातें अफवाह हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।